नमस्कार, 10 बजे की 10 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव की सरकार के मुखिया नवनियुक्त ग्राम प्रधानों को एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वार्ता करने के बाद अब उनको पत्र लिखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर कोरोना की तीसरी लहर के बारे में अभी से अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर उनको बधाई भी दिया है। इसके साथ ही पत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधानों से प्रधानमंत्री मोदी के मेरा गांव कोरोना मुक्त के ध्येय को साकार करने के लिए अभियानों में अपना योगदान देने का आग्रह भी किया है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मंत्रताड़न करने के दो आरोपों में से एक मौलाना मोहम्मद उमर गौतम की रिमांड मिलने से अब उत्तर प्रदेश एटीएस ने उसके ऊपर तगड़ा शिकंजा कस दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के भी इस प्रकरण की लगातार मॉनिटरिंग करने के कारण ही जांच एजेंसियां भर लगातार बड़े अभियान में लगी हैं। मौलाना उमर गौतम ने लखनऊ में अपना बड़ा नेटवर्क बना लिया था। एक शिक्षण संस्थान में तो वह वाइस चेयरमैन भी था, जबकि मैंगो बेल्ट में उसकी अल हसन इंस्टीट्यूट में गरीब लोगों को मंत्रताड़न के लिए प्रेरित करने का काम चलता था। उत्तर प्रदेश एटीएस ने गुरुवार को अल हसन इंस्टीट्यूट मलियाबाद में छापा मारा है। अयोध्या में जाली नोट बनाकर बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ और अयोध्या में सप्लाई की जाती थी। जाली नोट बनाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 2,11,000 रुपए जाली नोट बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी यमुना प्रसाद ने पुलिस लाइन में यह जानकारी देते हुए बताया कि सतरिक पुलिस ने बीजे मऊ नहर पुलिया के पास ग्राम गोकुलपुर से 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि अयोध्या के पटरंगा थाना के शिवशंकर वर्मा दिवाली चौराहा पर जनसेवा केंद्र चलाता है। लैपटॉप में लगे स्कैनर से असली भारतीय मुद्रा की 500 और 2,000 रुपए की नोट को स्कैन कर लेते थे। लैपटॉप में अपलोड सॉफ्टवेयर के माध्यम से असली भारतीय मुद्रा की तरह ही नकली नोट का प्रिंट करके नकली नोटों को निकाल लेते थे। सौरभ तिवारी व ऋतिक 500 व 2,000 रुपए के नकली नोटों को मार्केट में खपाते थे। 30,000 नकली नोटों के बदले 10,000 रुपए लेते थे। यह अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर आदि जनपदों में सप्लाई करते थे। मंत्रताड़न मतलब धर्मांतरण कराने के मुख्य आरोपी मोहम्मद उमर गौतम के 2 वीडियो भी सामने आए हैं। इन वीडियो में वह खुद ही अपनी संस्था इस्लामिक दावा सेंटर IDC के जरिए 1,000 से अधिक लोगों का मंत्रताड़न कराने की बात स्वीकार कर रहा है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में मोहम्मद उमर गौतम एक कार्यक्रम में अपनी संस्था के बारे में बात कर रहा है। वह खुद कह रहा है कि उसने बीते वर्षों में 18 बार इंग्लैंड, 4 बार अमेरिका, अफ्रीका व अन्य देशों की यात्राएं भी किया है। इंग्लैंड, अमेरिका, पुर्तगाल, जर्मनी, सिंगापुर व अन्य देश के नागरिक दिल्ली स्थित उसकी संस्था में मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कानूनी सलाह लेने आते रहे हैं और उनमें कई की शादी भी कराई गई। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा है कि जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तब तक किसान आंदोलन जारी रखेंगे। किसान अभी भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार को भी 2 कदम पीछे हटकर बात करनी होगी। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि डीजल, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम भी नहीं मिल पा रहा है। पिछले 4 साल से गन्ने के दाम में 1 रुपए की भी वृद्धि नहीं की गई। करोड़ों रुपया अभी भी चीनी मिले पर बकाया है। बीजेपी ने सहयोगी को दी सीट। जौनपुर व सोनभद्र में अपना दल लड़ाएगा जिला पंचायत अध्यक्ष। यदि आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सेवायोजन विभाग की ओर से लॉकडाउन के बाद
अपना ऑनलाइन रोजगार मेला लगाया जा रहा है। 18 से 32 साल आयु वर्ग के हाई स्कूल पास बेरोजगारों को 10,000 रुपये महीने की तय नौकरी मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन के साथ घर बैठे साक्षात्कार की भी सुविधा होगी। जिला सेवा योजना अधिकारी शशि तिवारी ने बताया कि लॉकडाउन के बाद पहला रोजगार मेला 26 जून को लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने सड़क और पुल के निर्माण में खराब गुणवत्ता के मामले में अक्सर सामने आते रहते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अब इस दिशा में कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है। कोई सड़क यदि बनते ही टूट जाती है या उसमें कोई खराबी आती है तो वहां के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क और पुल के निर्माण में गुणवत्ता का पालन नहीं किए जाने पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI तथा राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड NHIDCL के क्षेत्रीय कार्यालय और अधिकारियों और इंजीनियरों को जवाबदेह बनाया जाएगा।